For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the video. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया। तो ये हम मैदा लेंगे, खोया, पाउडर शुगर, ये नारियल, ये बारीक नारियल, खसखस, सूजी, काजू, बादाम, किशमिश और ये क्रश किया हुआ कोकोनट। तो सबसे पहले हम मैदे का डो बना लेते हैं। मैदा डालेंगे, ये मैं घी डाल रही हूँ, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। 4 टेबलस्पून घी, थोड़ा सा सॉल्ट, मिक्स करेंगे इसको। सबसे पहले हम इसको घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बाद में पानी डालेंगे। पानी ऐड कर, पानी में एक साथ में थोड़ा डालना, धीरे धीरे पानी ऐड। ये देखिए हमारा डो तैयार हो चुका है। देखिए उसे साइड में रख के स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पैन में सूजी को अच्छे से भून लेंगे। सूजी हमारी भून चुकी है, अभी इसे हम निकाल लेते हैं गैस ऊपर से। अब इसी पैन में हम कोकोनट को थोड़ा सा फ्राई कर देंगे। ये देखिए हमारा कोकोनट भी अच्छे से भून चुका है, इसे भी हम निकाल लेंगे। इसी पैन में हम अब खोए को अच्छे से भून लेंगे। देखिए हमारा खोया अच्छे से भुन चुका है, अब इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम कोकोनट डाल दें। बादाम डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। सारे ड्राई फ्रूट अच्छी तरह मिल चुके हैं, अब हम खसखस डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है, अभी हम गैस ऑफ करके ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम पाउडर शुगर ऐड करेंगे। आप मीठा आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हो, और ये बारीक नारियल, थोड़ी सी किशमिश, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अभी ये अच्छे से मिल चुका है, अब इसकी हम स्टफिंग करेंगे। अब इस आटे के हम छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से हम सारे बॉल बना लेंगे। अब इसे हम बेल लेंगे, थोड़ा सा मैदा टेस्ट करके।
इतनी शेप से इसे दे लेंगे। अब इसके कॉर्नर पे हल्के हाथों से पानी लगा देंगे। अब इसमें बीच में स्टफिंग करेंगे। इस तरह से राउंड करते रहेंगे। ये देखिए हमने सारी भुजी इस तरह से हमने स्टफिंग कर। अब हम चाशनी बना लेंगे, उसके बाद फिर हम डीप फ्राई। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे। दो हीट में इसे हम डीप फ्राई करेंगे। ब्राउन हो चुके हैं, अभी से निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे भुजी पूरी तरह से फ्राई हो चुके हैं। एक ग्लास पानी। इस तरह से रेडी हो चुकी है। इस तरह से अब गैस ऑफ कर लेंगे। देखिए हमारे भुजिया पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम चाशनी में डिप करेंगे। अब इसे हम 5-10 मिनट के लिए चाशनी में डिप करके रखेंगे, फिर इसकी प्लेटिंग करेंगे। अब इसमें हम चाशनी ये देखिए हमारे भुजिए तैयार हो चुके हैं, ये चाशनी वाले, ये ड्राई। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।